सुनो रे भाई जिंदगी के हैं तीन पहलू, अच्छा बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन हमने खेलने में बिताया, जवानी में मस्ती उड़ाई, बुढ़ापे में आई दवाई। अच्छा आप लोग ऐसे करो जाओ, बाकी लोग ऐसे करो जाओ, कोई बात ये क्यों। अरे आप अच्छा क्यों होती है, मुझे मिल गई बाइक, मिल गया मोबाइल और मिला एक और अधिकार, क्या वोट करने का। क्या मैंने उसका सही उपयोग किया? वोट फॉर नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, मैं महिलाओं की सुरक्षा का वादा करता हूँ। अच्छा, जैसे दिल्ली में आपने निर्भया का किया था। मैं पानी की व्यवस्था करूँगा। एक महीने से पानी नहीं आ रहा है नेताजी। मैं बिजली की व्यवस्था करूँगा। दिन भर तो हम बैठे रहते हैं, बिजली तो आती ही नहीं। मैं इस देश से गरीबी मिटा दूंगा। साहब कुछ खाने को दे दो। बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। वोट फॉर नेताजी। तो देखा आप सब ने कैसे नेताजी झूठे वादे करके चले गए। माइक ऑफ है तुम्हारा। हाँ बेटा, वो राष्ट्र नेता छेड़ा था। कौन था वो? कह रहा था कि वो नेताजी का बेटा है। नेताजी का बेटा है? अच्छा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। कैसे आना हुआ बेटा? वो रास्ते में नेता छेड़ रहा था। पुलिस से कंप्लेन नहीं करी? गए पर उन्होंने कुछ नहीं किया। कौन था वो? कह रहा था कि वो नेता जी का बेटा है। तुम घर जाओ, मैं सोचता हूँ। और नेताजी आपके पास दो लड़की आई थी, कुछ कह रही थी क्या? वो कह रही थी कि कोई लड़की उन्हें छेड़ रहा है। वो आपके लड़के के बारे में ही बात कर रही थी। अच्छा, मेरे लड़के के बारे में? हाँ। कुछ बात ले देखे, रफा दफा कर दो। अब है मेरे वोट की बारी। साहब, इस लिस्ट में मेरा नाम है? हाँ, तुम्हारा नाम है। मैडम, कैसे इसमें मेरा नाम है? नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। पर क्यों? मैंने लिखवाया था पर इसमें है ही नहीं। अब क्या होगा? मैडम, इस लिस्ट में मेरा नाम है? हाँ, तुम्हारा नाम है। मैडम, मेरा नाम है क्या इस लिस्ट में? नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। अरे, मैंने तो लिखवाया था, इसमें है ही नहीं। अब मैं वोट कैसे करूँ? नाम है क्या? नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। तो कैसे हो सकता है? हाँ, वही। नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो लिखवाया था। सर, इस लिस्ट में मेरा नाम है? हाँ, तुम्हारा नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम भी है। सर, इस वोटर लिस्ट में मेरा नाम है क्या? हाँ, तुम्हारा नाम है। तो देखा आपने, इस वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, बल्कि हमने अपना नाम रजिस्टर भी करवाया था। अब क्या ही हो सकता है? अब उसके आगे क्या होगा? अब हम वोट भी नहीं दे पाएंगे। आयु
तो देखा आपने वोट करने या ना करने से या सही जानकारी ना देने से हमारे लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित ना हो तो हमारे समाज का क्या होगा। तो आइए आने वाले चुनाव में हम सभी वोट देने जाएं। देंगे हम देंगे हम लोग देंगे ना हम लोग देंगे देंगे आज हम शपथ लेते हैं सही वोट देकर सही उम्मीदवार को चुनकर अपने समाज को सही दिशा दिखाएंगे। अब है मेरे वोट की बारी। धन्यवाद।